नंबर फोर लाइट कंडक्टर, नंबर फाइव फोटोकॉपियर। अच्छा आप जहन में रखिएगा, गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप अब आपके सिलेबस में नहीं है, फोटोकॉपियर अब नहीं है, सिर्फ इसका नाम सिलेबस में मौजूद है 2000 से लेके 2020 तक, फोटोकॉपियर का कोई सवाल सिलेबस में मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल जरूर आया है मल्टीपल उसमें, लेकिन वो चीज शामिल नहीं है। ठीक है, इज अ प्रोसेस और मेथड, वो कभी भी वो स्प्रे पेंट की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, बाय विच लार्ज, अच्छा इसके लिए जरूरी है कि दैट ऑब्जेक्ट शुड बी मेटालिक, नॉन मेटालिक को आप इस तरह नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट्स आर कलर्ड, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा 2 मिनट के लिए पेन रख के सिर्फ सुन लो, समझ लो, क्योंकि ये बहुत आसान सी चीज होती है, ये एक दफा समझ आ जाए पर जिंदगी आसान हो जाती है। देखो बेटा, ये है आपके पास वो ऑब्जेक्ट जिसको कलर करना है। अब बेटा अगर आप हाथ से कलर करना शुरू करोगे तो एक तो आपके पास टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, ठीक है, एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर कलर गिरेगा, ठीक है, जब कलर गिरेगा तो जो स्मूथनेस होती है, फिनिशिंग होती है, वो नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, और आपने देखा है चाहे जितनी आपके पास भी अगर गाड़ी हो या आपने कभी किसी गाड़ी पर हाथ रखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि उसकी जो कलरिंग होती है वो बहुत स्मूथ होती है, बहुत शाइन होती है उसमें, उसमें डबलिंग नहीं होती। तो वो क्या होता है बेटा कि वायर लगा के कोई एक चार्ज दे दिया, नेगेटिव या पॉजिटिव, पूरे सरफेस पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास कलर ड्रम है, कलर ड्रम यानी इससे कलर निकलेगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो बेटा यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो बेटा मैं यहाँ नेगेटिव रखता, ऑपोजिट रखना होता है, ठीक है। जब आपने ऑपोजिट चार्ज रखा तो कलर निकलेगा, तो कलर एसिडिक नेचर रखता है तो कलर के ड्रॉपलेट्स भी चार्ज हो जाएंगे, एक चार्ज एक ड्रॉप पर आके बैठेगा। मेरी बात समझ रहे हो, यानी एक ड्रॉप एक चार्ज पे आके बैठा तो उससे क्या हुआ, आपके लॉसेस कम हो गए, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई और आपकी कॉस्ट और टाइम इफेक्टिवनेस हो गई। कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंट सिस्टम है। टाइम कॉस्ट एफिशिएंट कैसे, मैं एक ही डब्बा लाया उसी से मैंने पूरा कलर कर दिया, पहले क्या था पूरे बड़े वाले डब्बे आ रहे हैं और उसमें से लॉस हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो अब वो नहीं है, अब बस एक डब्बे के अंदर आपका कलर हो गया। करना क्या है, सिर्फ एक जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है वहां तार लगाए, उस पर एक चार्ज आएगा, एक चार्ज आप रखें अपनी डिवाइस पर, यानी जिस ड्रम से कलर निकल रहा है उस पर रखें, ऑपोजिट रखें, अट्रैक्शन होगी और सारा का सारा कलर अट्रैक्ट हो जाएगा। बेटा ये बात समझ आती है तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। अहमद को समझ आई, बाकियों को समझ में नहीं आई बेटा? आयजा, आर्तिशिया, जानवी, साद, स्वाति, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। स्वाति को समझ में आ गया, व्हाट अबाउट आर्तिशिया एंड जानवी, जल्दी बताओ बेटा। एंड आयजा समझ में नहीं आया बेटा तो मैं दोबारा समझाता, हाँ आर्तिशिया मैं दोबारा समझाता। होता क्या है, जानवी बेटा अभी आपने ज्वाइन किया, जानवी ने ज्वाइन किया, जमीला ने ज्वाइन किया, जमीला बेटा आपने ज्वाइन किया तो जरा देख लीजिएगा दोबारा से। आपने क्या करा है, आपने किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को, मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर ये मेटल नहीं होगा आप ये सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर इंसुलेटर का डिफरेंस आ जाता है, चार्जेस सिर्फ कंडक्टर पे बनते हैं, इंसुलेटर पे नहीं बनते। कंडक्टर कौन से, कॉपर, स्टील या इस तरह की चीजें जो करंट को अपने थ्रू मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर कौन से, प्लास्टिक, रबर, वुड, ग्लास, इन पर कलर इस तरीके से नहीं होता, इन पर कन्वेंशनल तरीका होता है, ठीक है। मेटल होगा तो आपने एक तार लगा के
एक ऑब्जेक्ट पर जो मैट्रिक्स पर कलर करना है उसको एक चार्ज दे दिया, फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट था यानी कि अगर जहां से ड्रम जिससे कलर निकलना है गन जो कहते हैं उसको ऑपोजिट चार्ज किया तो जो कलर निकलेगा वो भी ऑपोजिटली चार्ज होगा यानी वो नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एक कलर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हिस्सा कलर हो गया, फिर यहाँ आके ये कलर हो गया। इस तरीके से मेरे पास कलर के लॉस कम हुए, मेरे पास एफिशिएंसी बन गई, बढ़ गई, मेरे पास कॉस्ट कम हो गई और मेरा काम जल्दी हो गया। ये बात समझ में आती है बेटा? आप बताइए अर्तिशी, आप क्लियर है बेटा? आयजा, अर्तिशिया, जमीला, जानवी, सात, स्वाति एंड अली, अली ने तो खैर अभी ज्वाइन किया। आयजा बेटा समझ में आया है? आगे चलें। अच्छा, अब इसके बाद आपने दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन वन, एडवांटेजेस तो ये मैंने लिखवा दिया आपको। एडवांटेजेस क्या है कि भाई लॉस कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, आपके पास जो कॉस्ट है और एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, ठीक है। अब होता क्या है, आपके पास वो पूछता है व्हाई देयर इज अ स्प्रेड आउट ऑफ कलर इंस्टेड ऑफ बीम एज दे लीव द कलर नोजल। होता क्या बेटा, ये गन है आपके पास, ठीक है, समझिएगा। पानी जब गिरता है बेटा तो वो कुछ इस तरीके से गिरता है, एक स्ट्रीम बहती है, ठीक है, एक एक उर्दू में उसको कहते हैं एक धार होती है, एक एक लाइन में गिर रहा होता है। लेकिन जो कलर होता है आपके पास वो कुछ इस तरह निकलता है। क्यों निकलता है बेटा? क्योंकि देखो अब ये चार्ज है, इन सब पर एक ही चार्ज है, एंड वी नो दैट कि दे ऑल, इसका आंसर लिखो, आंसर दे मूव आउट अवे फ्रॉम वन अनदर एज दे आर हैविंग अ सेम चार्ज। जब सेम चार्ज है तो ये दो, ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एक स्प्रेड आउट कॉमेट बनेगा। ये बात समझ में आती है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड। बेटा सॉरी, आप लोगों ने जो मैसेज किए थे वो मेरे पास से मिस हो गए, तो जरा सा आप लोग दोबारा मुझे भेज दीजिएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। बताइए बेटा, समझ में आया है? प्लीज बताइए। आयजा, अहमद, अर्तिशिया, जमीला, जानवी, स्वाति एंड अली, समझ में आया बेटा? जी बेटा आयजा, बिकॉज दे हैव द सेम चार्ज ड्यू टू विच दे विल रिपेल वन फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। ये तक बात समझ में आती है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड। आयजा, अली, अर्तिशिया, जमीला, जानवी, साद एंड स्वाति, यहाँ तक आती है बात? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर।
बेटा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये मेरे साथ साथ लिखिएगा बेटा प्लीज, व्हिच इज गिवन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. होता क्या है बेटा, हाँ मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा, ली डोंट वरी. ये मेरे साथ साथ बनाइएगा ये डायग्राम. ये डायग्राम जरूर बनाइएगा क्योंकि ये डायग्राम ऐसे ही आपके पास आती है. ये लिख लीजिए अपने पास, ये लें जल्दी से अपने पास कॉपी कर लें एंड देन कमेंट सेक्शन में बता. ओके बेटा, ठीक है बेटा अली, डन. अर्तिशा मैंने ये कहा है बेटा कि अली एक मिनट रुको, मैंने ये कहा है, दोबारा से मिटा के मैं बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आए. मैंने ये कहा है कि दोबारा सुन लें आप सब, कोई मसला नहीं है. मैंने ये कहा है आपसे कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में हैं एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. जब आप इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, वो कोई भी एक मेथड होगा, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो अभी पहले रैंडम थे, ये डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक तरफ अलाइन हो जाते हैं. जिस डायरेक्शन में ये अलाइन होते हैं वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होता है. ये बात समझ में आती है बेटा, यहां तक समझ में आता है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड. अच्छा अली, तुम क्या पूछ रहे थे मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है? एक मिनट दे दीजिएगा मुझे, ये अली मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन देख ले. ये लो बेटा अली, देख लो. यहां तक बात समझ में आती है बेटा? आयजा, अली, अर्टेशिया, जमीला, जानवी एंड स्वाति, सात, तुम्हें समझ में आती है बात? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें मैग्नेटिक फील्ड.
पहले अच्छा याद रखिएगा, पूरा पेपर आपका सिंपल होगा, देयर विल बी सर्टेन वर्ड्स जो इटैलिक होंगे। अब अगर इटैलिक का मतलब ही इट इज वन ऑफ दोज वर्ड्स, इटैलिक का मतलब होगा कि आपके पास जो है, इटैलिक का मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे जो है सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और कुछ नहीं। एक मिनट दीजिएगा। सॉरी बेटा, पानी भी नहीं गया था। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट्स वन ऑफ दोज वर्ड्स जो आपने एज पर द डेफिनेशन लिखना है, आप डेफिनेशन के अलावा कोई वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? यही सेम वर्डिंग आएगी, इट इज द रीजन इन विच अ मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब वो पूछे डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड, तो आप ये लिख दोगे। अच्छा, अब पेपर में क्या आएगा? पेपर में आएगा पैटर्न बना हुआ आता है, तो उसके लिए कुछ की पॉइंटर्स हैं, वो लिखने अपने पास। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही है तो प्लीज पूछ लीजिए। आयजा, अहमद, अली, अर्तशिया, जमीला, जानवी, साद, स्वाति, प्लीज बेटा कोई भी मसला पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज याद लेकर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ना हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा और एंड होगी साउथ पे। कभी भी नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाएगी, कभी नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा अब पैटर्न की सबहेडिंग डालिएगा। ये आता है P1 में और P2 में भी यही आता है। वो क्या आता है? देखो, ये उसने दो नॉर्थ बना दिया आपको। अब अगर ये मैं इंग्लिश में लिखना होता बेटा दृश्य, तो आप लिख देते कि दिल रिपेल वन अनदर। डायग्राम में क्या करोगे? गौर से देखिएगा, चार लाइनें बनाएंगे, चार से ज्यादा मत बनाना। बहुत सारे स्कूल टीचर हैं, वो पूरा जंगल बनवा देते हैं लाइनों का। That's irrelevant, उसकी इतनी कोई खास जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन चारों लाइनें एक दूसरे से अवे होनी चाहिए, कोई एक भी एक दूसरे की तरफ ना हो। ठीक है, डायरेक्शन उनकी मतलब जो नजर आना चाहिए कि दे आर रिपेलिंग वन अनदर डायग्राफिक ग्राफिकली। अब मैंने ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड तो स्टार्ट नॉर्थ से होती है, एंड होती है साउथ पे। तो एक चीज मुझसे अगर ओरिजिनेट हो रही है तो एरो क्या होगा बेटा? आउटवर्ड। ठीक है, ये कॉपी करें। और अगर दो साउथ आ जाते हैं तो अली बेटा क्या होगा? अगेन दिल रिपेल वन अनदर, तो चारों लाइन एक दूसरे से आगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट होती है साउथ पे, तो एरो क्या होगा? टुवर्ड्स साउथ। बेटा ये बात समझ में आती है? तो ये कॉपी करें जल्दी से एंड कमेंट सेक्शन में बताइए इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी बताइए बेटा। आयजा, अहमद, अली, अर्तशिया, जमीला, जानवी एंड स्वाति, आपका रिस्पांस नहीं आ रहा, कम आ रहा है बेटा। जमीला बेटा ऑडिट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा, न्यूट्रल पॉइंट, ये बहुत सारे मिस कर जाते हैं, हालांकि ये पूछता है वो। इट इज द पॉइंट एट विच देयर इज
नो मैग्नेटिक फोर्स। वो ये पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये कहलाएंगे न्यूट्रल पॉइंट्स। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ ना अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी। ये बात जहन में रहेगी, ये कॉपी कर लें। यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। स्वाति बेटा, आयजा बेटा, जानवी बेटा, साथ अली, गुड बच्चा। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट के बाद अब आते हैं हम, इसके बाद जो पैटर्न है वो है ऑपोजिट पोल्स का। ऑपोजिट पोल्स का पैटर्न किस तरह बनेगा देखिएगा। एक नॉर्थ, एक साउथ। अब गौर से देखो, बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं और बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, लेकिन हम कितनी बनाएंगे जो सीआई ने हमें कहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच। एरो क्या होगा? नॉर्थ टू साउथ। ये बहुत है, ठीक है? यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ये कॉपी कर लें। देखें, ये की ट्रिक्स से जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट ईयर 2019 में, क्योंकि 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ, 19 में जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई थी, तो एक अगर आप लोग माइकल से, तो मिस आजादी को तो आप लोग जानते ही होंगे। मिस आजादी का जो बेटा था इलियन, उसकी डिस्टिंक्शन आई थी, उसकी डिस्टिंक्शन इसी वजह से आई थी कि ही वॉज स्टडिंग फ्रॉम मी एट अ सेंटर। तो उसमें ये होता है कि मैं उसकी प्रैक्टिस पास से पकड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट डिस्टिंक्शन इन ओ लेवल फिजिक्स। तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये बस आप लोग करते हैं और हो जाएगा। और कोशिश की थी कि यही ट्रिक्स आपकी जो ओ लेवल्स की बुक है, जो सेंट माइकल में पढ़ाई जा रही है, उसका को ऑथर हूँ मैं, तो उसको लिखा मैंने है, ठीक है? तो जो है ना, उसमें भी कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारी चीजें काम नहीं लिखी थी, तो वो मैं अपने सेंटर पर पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे अहमद है, अहमद हैव जॉइंड बराक, तो वहां बता रहा होता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से होता है कि आप ट्रिक्स पर बात करते हैं और उससे आपका रिजल्ट आता है। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर आप चाहते हो तो पता नहीं कितनी लाइनें बना सकते थे, ऐसे 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 पता नहीं कितनी, लेकिन वो सारी इनवैलिड है। आप उतना काम करो जितना आपसे पूछा गया है, क्योंकि ओ लेवल प्रोजेक्ट्स में ग्रेड लाना इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग इफ यू हैव द की ट्रिक्स विद यू। अगर आपको की ट्रिक्स पता है, जार्गन्स पता है, तो आप बहुत आराम से ग्रेड ला सकते हो। और मेरा इंशाल्लाह इस साल पूरा तय है कि जितने स्टूडेंट मेरे पास हैं सेक्शन ए में, बुराक में, उनमें से किसी का भी 20 से नीचे तो आने नहीं दूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो। यहाँ तक कॉपी करें। ऑपोजिट पोल के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आयजा, अहमद, अली, मीला, साद, समझ में आया बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। ये जो पैटर्न बनाया हमने ऑपोजिट का, ये समझ में आया है? देखो, जरा से भी कोई चीज ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालें, मेथड्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तीन मेथड है जी, इंडक्शन, डिफ्रेक्शन
एंड इलेक्ट्रिकल। इंडक्शन में क्या होता है? ये मैग्नेट आपके पास, ये इसकी, यहाँ एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ मेटालिक, बाहर है कुछ नहीं होगा, जैसे ही आप क्या होगा गौर से देखिएगा, ये नॉर्थ था तो यहाँ साउथ आएगा, हमेशा याद रखिएगा ऑपोजिट पोल आएगा, कभी भी सेम पोल नहीं आएगा, कभी भी सेम पोल नहीं आएगा, ऑपोजिट आएगा और ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इंडक्शन है। ये बात समझ में आती है अर्थशिया, जमीला, साद, अहमद, अली, आयजा, जानवी, स्वाति, साद समझ में आया बेटा? नहीं आई समझ में, अली दोबारा देख लो, मैंने ये कहा आपसे, मैं मिटा के दोबारा कराता हूँ। अली आप कौन से स्कूल से हैं? आप सब माइकल्स के ही हैं? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका एक रीजन आगे, एक मैग्नेटिक फील्ड आगे, ये एक ऑब्जेक्ट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, कुछ नहीं होगा इसको, जैसे ही आप इसको अंदर लेके आए बाय हैंड, अगर यहाँ नॉर्थ था तो इस एच पे क्या आएगा? साउथ, हमेशा ऑपोजिट पोल आता है और ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अली अब समझ में आया बेटा? अर्थेशिया अब समझ में आया है? जैनल अब्दीन के भाई हो तुम, मुझे हल्का हल्का सा शक हो रहा था, तो मेरा बहुत प्यारा बच्चा था जैन, तो अभी पाकिस्तान में तो नहीं है मेरे ख्याल से वो। आयज में आया अर्थेशिया, जमीला बेटा, अहमद, जानवी, स्वाति, प्लीज रिस्पॉन्ड। चलो बेहतरीन, अच्छा मेरा सलाम देना उसको, बोलना सर बात याद कर रहे थे, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा? ये नॉर्थ है, ये साउथ, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ आएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ आएगा, ये इन कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है दोबारा बना देता हूँ मैं, यहां तक कॉपी कर लें, यहां तक बात समझ में आ रही है बेटा? आयजा, अहमद, अली, अर्थेशिया, जमीला, जानवी, साद एंड स्वाति, समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके इसके बाद हेडिंग और इसका की पॉइंटर लिखिएगा, वेयर एवर देयर इज अ करंट, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे भी करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक होगी वहां करंट होगा, ये लिख लें अपने पास, यहां तक कॉपी कर लें। जमीला नहीं आया समझ में बेटा? क्या चीज समझ में नहीं आई जमीला बेटा? जमीला बताइए बेटा, फ्रिक्शन समझ में नहीं आई, फ्रिक्शन देख लें,
हाँ फ्रिक्शन, एक मिनट रुक जाए मैं समझा दूँ। देखो बेटा ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इससे आपने दूसरे बार को मैग्नेटिक मटेरियल टच कर दिया, तो अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है ना, तो ये नॉर्थ क्या करेगा यहाँ साउथ इंड्यूस करेगा, ये साउथ क्या करेगा यहाँ नॉर्थ इंड्यूस करेगा, तो जितनी देर ये इन कॉन्टेक्ट रहेंगे उतनी देर ये मैग्नेट रहेगा, ये कह रहा हूँ मैं फ्रिक्शन। ये बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? जमीला बेटा, आयजा, अहमद, अली, अर्तेशिया, जानवी, साद एंड स्वाति। ओके अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, यहाँ तक बात समझ। जानवी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं बेटा। मैंने ये कहा आपसे कि ये मेरे पास मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसकी रीजन होगा एक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बात समझ में आती है जानवी? अब मैंने आपसे कहा मैं मटेरियल यहाँ ला के रख दिया, ये मैग्नेटिक था यानी जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सके, तो अब ये नॉर्थ है तो इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा साउथ, ऑपोजिट पोल आता है, ये साउथ है तो यहाँ क्या आएगा नॉर्थ। ये बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कॉपी कर लें जानवी बेटा, आप समझ में आया बेटा आपको? ओके 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 अच्छा इसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल का है तो आप सोलेनोइड यूज करते हैं, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है उसमें आप डीसी मोटर लगाते हैं, डीसी बैटरी लगाते हैं, डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई क्या है जी, आपके मोबाइल की बैटरी, आपके यूपीएस की बैटरी, या और जो आपके घर पे के इलेक्ट्रिक की आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो ये छोटे छोटे सेल बैटरी, यूपीएस की बैटरी, खिलौनों की बैटरी, ये आपके पास डीसी कहलाता है। आपने क्या करा, आपने जिस चीज को मैग्नेटाइज करना है आपने उसको अंदर रखा, जब आप ये सर्किट ऑन करेंगे करंट निकलेगा, करंट इस सर्किट में से मूव करेगा, जब करंट मूव करेगा तो इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड ये करेगी बेटा कि जितनी देर आपके पास ये सर्किट ऑन रहेगा, प्लीज ये जहन में रखिएगा, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी चीज है, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी अभी दे देता हूँ आपको। जितनी देर ये सर्किट ऑन रहेगा उतनी देर ये जो चीज है ये मैग्नेट रहेगी, ये चीज, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, आप अभी घर आप बाहर गए हो, बाहर से जब घर आएंगे तो आप दरवाजे पर बटन प्रेस करेंगे, बेल प्रेस करेंगे, तो जितनी देर आप बेल प्रेस करेंगे उतनी देर वो करंट मूव करता रहता सर्किट में और आवाज प्रोड्यूस होती रहती है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है डोर बेल जो है, उसकी मैंने अभी वीडियो लेक्चर में भेजा है आपको, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ही आप उस पे से हाथ हटाते हैं तो सर्किट ड्रॉप होता है, सर्किट ड्रॉप होगा करंट रुका, करंट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड रुक गई, मैग्नेटिक फील्ड रुकने का मतलब क्या हुआ कि अब साउंड प्रोड्यूस नहीं हो। मैं दोबारा बता रहा हूँ होता क्या है, जब आप घर पहुंचे आपने दरवाजे पर लगा बटन दबाया मतलब आपने प्रेस किया, जितनी देर प्रेस करेंगे उसके अंदर से करंट मूव होता रहता है, जब करंट मूव होगा तो एज पर द रूल कि जहां पे भी करंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट मूव हो रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड साउंड प्रोड्यूस कर रही है, तो आपके घर में आवाज आ रही है और आपको पता लग रहा है कि जी दरवाजे पर कोई है, जैसे ही आप उस बटन पे से हाथ हटाते हैं करंट रुकता है, जब करंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि जितनी देर करंट है उतनी देर मैग्नेटिक फील्ड है, जिस सेकंड करंट रुकेगा उस सेकंड मैग्नेटिक फील्ड रुक जाएगी, जब मैग्नेटिक फील्ड रुक गई तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास साउंड भी नहीं होगी। अलियान रहमान साहब थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, क्योंकि आप लेट आए तो आपको इतनी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी। आयजा, अहमद, अली, अर्तेशिया, जमीला, जानवी, साद, स्वाति, आपको समझ में आया बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स।
यहां तक बात समझ में आती है। अब आगे चलते हैं, की पॉइंटर्स क्या है? डीसी पावर सप्लाई होगी। अब हेडिंग डालने, मेथड्स ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। ये तीन है, हैमरिंग, हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, जहन में रखिएगा, जब मैग्नेटाइज कर रहे थे तो डीसी पावर सप्लाई यूज किया था। जब आप डीमैग्नेटाइज कर रहे हो, यानी कि उसको डिसअलाइन कर रहे हो, तो आप एसी पावर सप्लाई यूज करेंगे। जब डीमैग्नेटाइज करना है तो एसी, जब मैग्नेटाइज करना है तो डीसी। ये पेपर वन में सवाल आता है, गौर से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द डीमैग्नेटाइज द इलेक्ट्रिकल डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट। तो आप उसमें चार ऑप्शन होंगे, उनमें से दो इनवैलिड कौन से होंगे जिसमें डीसी सप्लाई यूज होगी, क्योंकि डीसी जो है वो मैग्नेटाइज करती है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं करती। ये बात याद रहेगी बेटा, बताइए कौन। अलियान, तुम्हें समझ में आई बेटा? I'm sorry बेटा, थोड़ा सा नेट का इशू है, वो आज यहाँ पे जुलूस है ना, तो नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। When I had to keep this class today only because on Friday you have your test. मुझे अहमद ने कहा था कि सर रख लें, क्योंकि आपकी तो लेक्चर ही आगे पीछे हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? अलियान, अली, अहमद, अर्तशिया, आयजा, स्वाति, साद, जमीला, जानवी, जल्दी बताइए बेटा। ओके 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 ओके। अच्छा, अब वही सोलेनोइड लिया, वही वायर है, उसी तरह का स्विच है, लेकिन अब यहाँ एसी सप्लाई लगा दी। एसी सप्लाई का सिंबल होता है ये, ठीक है। अब आपने मैग्नेट रखा अंदर, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट है ये आपके पास, ठीक है। आपने सर्किट बंद किया, करंट गुजरेगा। आप दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की और एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी। तो अब आप इसको डिस्चार्ज कैसे करोगे, इसको डिस्टर्ब करना है। बेसिकली आपका काम क्या है, जो मॉलिक्यूल्स अलाइन हुए हैं ना, उसको आपने तोड़ना है। अब वो तोड़ोगे कैसे, जिस साइड से आपने मैग्नेट इन किया था उसी साइड से स्लोली एंड ग्रेजुअली। प्लीज ये वर्ड लिखिएगा, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Slowly and gradually while keeping the circuit on, यानी दो मैग्नेटिक फील्ड आप आपस में कोलैप्स करवा रहे हो, कोलाइड करवा रहे हो। जब कोलाइड करवाओगे तो मॉलिक्यूल्स डिसअलाइन होंगे और आपका जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है बेटा, तो प्लीज बताएं। अलियान, आपने लेट ज्वाइन किया, आपको समझ में आया है? मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी बेटा, कौन पूछ रहा था ये? हाँ बेटा, ऐसा सेम साइड, क्योंकि देखो अपोजिट साइड से करोगे तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। कोलिजन करवाना है आपने। देखो दो गाड़ियां, कोलिजन कैसे होता है दो गाड़ियों का? दो गाड़ियों का कोलिजन ऐसे होगा, एक गाड़ी ऐसे जा रही है, एक गाड़ी ऐसे जा रही है, एक के पीछे एक, ठीक है। अगर ये आगे जाएंगी तो कोलिजन नहीं होगा, लेकिन ये आगे और ये पीछे आ जाए तो कोलिजन होगा। वही काम आपने करना है यहाँ पे, क्या आपने दो मैग्नेटिक फील्ड्स को टकराना है। दो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे टकराओगे, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, उसको देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। आपने क्या करा, आपने स्विच ऑन किया, करंट आ गया, करंट की वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक तो इस सर्किट की सोलेनोइड की और दूसरी आपके पास इस मैग्नेट की अपनी, क्योंकि ये भी एक मैग्नेट था। अब जिस साइड से आपने मैग्नेट इन किया था उसी साइड से स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, ये वर्ड बहुत क्रूशल है। अगर ये वर्ड आपके पेपर में नहीं हुए, मैं नहीं जानता आपके नया टीचर कौन आया है, लेकिन अगर कोई
एक्सपीरियंस टीचर होगा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा, फिजिक्स में इंग्लिश लिखने के मार्क्स नहीं है। मैंने अभी बताया था इलियन का या मंसूर का, इन दोनों की डिस्टिंक्शन कैसे आई थी, दे यूज द टेक्निकल वर्ड्स। मैंने लोगों को पूरी टेक्निकल वर्ड्स की एक वर्कशीट प्रोवाइड की थी कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। वो शीट है, वो अहमद को तो इंशाल्लाह कल या परसों में मिल जाएगी, व्हेन आई विल कीप हिज क्लास एट ब्रॉक। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप लोग भी वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करा, मैग्नेट जहां से इन किया था वहीं से आपने उसको रिमूव किया व्हाइल कीपिंग द सर्किट ऑन दैट टू स्लोली एंड ग्रेजुअली, ताकि जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ज्यादा जल्दी डीमैग्नेटाइजेशन होगी। ये बात समझ में आती है तो प्लीज बताइए। बेटा यहाँ तक समझ में आया है आपको? अलियान आपने लेट ज्वाइन किया था, आपने समझ में आया आपको? अली बेटा यहाँ पे सिग्नल का इश्यू आ रहा है बिकॉज द जुलूस इज नियर, तो आई गेस आई हैव टू एंड दिस क्लास नाउ। मैं कल फिर एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा आप लोगों की ऑनलाइन ही। आई होप कि ये क्लास बेनिफिशियल थी। जानवी, अर्तिशिया, स्वाति, अहमद, अलियान, अली, अलियान बेटा बहुत सॉरी आपने लेट ज्वाइन किया, तो हो सकता है आपको उस क्लास की जो टॉपिक्स हम समझ में ना आए हो। अच्छा हाँ बेटा बिल्कुल, वो असल में जुलूस है ना यहाँ पे गुलसान जौहर में, तो इस वजह से। अच्छा आउट ऑफ 10 अपनी क्लास को रेट करिए जल्दी जल्दी के, अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से आपको कितना समझ आया जल्दी जल्दी बताइए। जमीला 9, थैंक यू सो मच। Is the 10 out of 10? Thank you, beta. Artishya, jeeti rahe. Thank you. Swati, 9. Ali, thank you so much. Achha, ab meri baat suno gaur se, aap sab. Dekhe, beta. Thank you so much, Aliyan. Jeete raho, beta. Achha, ab meri baat suno gaur se. Kahani kuch aisi hai. Ke dekhe, ek aapka start jo hai, wo to zen mein rakhiyega. Papers itna important nahi rakhte. Main itna zyada effort kyun kar raha hoon? कि मैं आपके ग्रुप्स बनवा रहा हूँ और आपको मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ और सब, सो दैट आई वांट के, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है कैम्ब्रिज का, एंड आई वांट कि जिस तरह मैंने लास्ट से लास्ट ईयर के लिए उनकी शक्ल में सेंट माइकल को एक डिस्टिंक्शन दी थी, ठीक है, मैं चाहता हूँ आपका ग्रुप भी उसी तरह रिजल्ट आए। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मुझे, मैंने अहमद का वीडियो लेक्चर्स का पोर्टल देखा है, तो आपके जो वीडियो लेक्चर्स अभी चल रहे हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं, यानी आपके चैप्टर्स आपको लग रहा है कि वो कंप्लीट है बट दे आर नॉट कंप्लीटेड एट ऑल, ठीक है। ये बात आप चाहें तो आप अहमद से कंफर्म कर सकते हैं, आपके एक स्टूडेंट है उमर, वो भी जानता है। अभी अगर आप ये सोचें कि यार ये टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, टेस्ट के बाद देख लेंगे, तो बेटा ये जहन में रखिएगा अक्टूबर शुरू हो चुका है, ठीक है। अक्टूबर का मतलब यहाँ तक हो गया। अब बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो रॉड्स लगाते हैं और ये जो होता है बेटा, इसको अगर ये दोनों रॉड्स पॉजिटिव हैं तो ये जो जार होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है।
अब यहां से गैस प्लस मेटल, अब वो मेटल इतना छोटा होता है बेटा कि हम उसको अलग नहीं कर सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, किसी और फिल्टर से हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहां से ये आता है गैस का प्रेशर, इसको ऊपर उठाता है, ठीक है। जब गैस का प्रेशर इसको बढ़ता है, इस फिल्टर से जब ये निकलता है तो जो मेटल होता है वो चार्ज हो चुका होता है। अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है रॉड तो मेटल नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑपोजिट, जब ऑपोजिट होगा तो अब क्या होगा बेटा, गैस के प्रेशर की वजह से ये ऊपर आएगा और ये यहाँ पे ड्यू टू द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दे हैव द ऑपोजिट चार्ज, तो ये रुक जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा और गैस बाहर निकल जाएगी। जब गैस बाहर निकल गई तो आपका 90% काम हो गया। योर टास्क वॉज टू एलिमिनेट दिस मेटल, एंड आपका टास्क क्या था, किसी भी तरीके से ये मेटल बाहर ना जाए। अगर ये मेटल बाहर जाएगा, गैस जो है वो तो स्प्रेड आउट हो जाएगी, मेटल ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ जाएगा एंड वो एक एनवायरमेंटल हैजर्ड है। तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया, चिमनी के अंदर आपने दो रॉड्स लगाई। अली बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लें, चिमनी के अंदर आपने दो रॉड्स लगाई, आपके ऊपर है आप उसमें पॉजिटिव रखना चाहो और नेगेटिव, लेकिन दोनों रॉड पे सेम चार्ज होगा, एक चीज। फिर आपने क्या करा, जो आपके पास जार था, यानी कि जो एक जार टाइप का था, वायर था, उस पे आपने ऑपोजिट रखा। जब ऑपोजिट रखा तो अब मेटल इसको टच करके यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगी। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेटर। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बता दीजिए कि इफ देयर इज एनी इश्यू। आयजा अहमद अली अर्तशिया जमीला जानवी साद स्वाति, इफ देयर इज एनी इश्यू प्लीज लेट मी नो। अगर समझ आ गया तो भी बताइए, अंडरस्टूड। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। अहमद दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मसला नहीं है। अली समझ में आ गया, तुम लेट आए, जमीला बेटा आपको समझ आ गया? अच्छा आयजा, ओके अहमद, आप लोग इसको कॉपी करें, बाकी बच्चों मैं जरा अहमद को दोबारा रिपीट कर दूं। अब मैं ये अपनी फेयर डायग्राम नहीं बना रहा अहमद भाई, मैं थोड़ा सा ग्राफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास चिमनी है, तो मिटा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने क्या करा है, यहाँ पे दो रॉड्स लगा दी। अब दोनों रॉड पर आपने सेम चार्ज रखा है, यहां से आपने गैस और मेटल इन हो रहा है, तो यहां से आपने एक वायर लगाया है जो मेटल को ऑपोजिट टच ऑपोजिट चार्ज देगा, ठीक है। अब जब ऑपोजिट चार्ज देगा तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगी और गैस बाहर निकल जाएगा। अहमद अब समझ में आता है बेटा? अहमद अब क्लियर है? अहमद नहीं, आयजा स्वाति अली अंश बेटा आप क्लियर है? जानवी बेटा आप क्लियर है? प्लीज डू लेट मी नो। जमीला बेटा जल्दी बताइए बेटा, ओके मेरा बच्चा। इसके बाद लाइटनिंग कंडक्टर के नाम से एक डिवाइस है। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर है क्या बेटा? जब भी दो बादल टकराएंगे तो हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। Until and unless आपका एग्जामिनर जो है ना, वो ये ना कहे कि इसने पॉजिटिव किया है, आप क्या लेंगे, आप लेंगे हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, बहुत ज्यादा। आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है कि एक चार्ज के सराउंडिंग का रीजन जो होता है जिसमें वो फोर्स लगा सकता है वो कहलाता आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सोचो, जब ये मिलियंस में है तो ये कितना ज्यादा पावर रखते होंगे। और जब ये, अभी आपको याद होगा जो अभी रिसेंट बारिशें हुई हैं,
गुलिस्ताने जौहर में, क्योंकि आई लिव इन गुलिस्ताने जौहर, तो गुलिस्ताने जौहर में एक मॉल है मिलेनियम, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। इसके पास एक दीवार थी, उसमें बिजली गिरी थी, देयर वाज सीवियर कैजुअलिटीज, 5-6 लोग की डेथ हो गई थी। तो वो बेचारे खड़े हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, साए में थे, उसके ऊपर फेंसेस थे, बस उसके ऊपर गिरी है और वो दीवार गिरी है, और उस दीवार के गिरने की वजह से ठीक ठाक कैजुअलिटी हुई। तो उस चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान में तो रेयर केसेस में इतनी तूफानी बारिशें होती हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं खास तौर पर वेस्टर्न अमेरिका, वहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साइड पर, न्यूजीलैंड साइड पर। तो वो क्या करते हैं, वो लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज करते हैं। अब लाइटनिंग कंडक्टर किस तरह यूज करते हैं कि भाई वो उनके पास स्काई स्क्रैपर्स हैं, वो स्काई स्क्रैपर के ऊपर एक बहुत थिक मेटल का बार लगा देते हैं। अब होता क्या है, जब ये लाइटनिंग हुई तो जाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सिंपल आपके पास मेटल बार होता है, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या आएगा भाई, ऑपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड, ये पॉजिटिव, ये सारा का सारा इधर अट्रैक्ट होता है और ये एक वायर से ड्रेन कर दिया जाता है। दिस इज द वर्किंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। किसी को इसमें मसला, प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके लिसन, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो बादल होते हैं ये जब दोनों कड़कते हैं तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। 1999 में उसने कहा था पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, अदर देन दैट आज तक उसने ये नहीं कहा पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव कहते तो आप पॉजिटिव रख के वर्किंग करेंगे, ठीक है। अब ये आपने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ी है कि एक चार्ज उसके सराउंडिंग में एक रीजन होता है जिसमें वो फोर्स लगा सकता है, ठीक है, दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर ये नेगेटिव है और ये मिलियंस में होता है, यानी 10 to the power 6 में होता है, इतनी ज्यादा पावर होती है, तो उसका एरिया भी उतना ही ज्यादा होगा, और ये जब गिरेगा तो ये ठीक ठाक कैजुअलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, ये ठीक ठाक नुकसान कर सकता है। तो इसकी रेमेडियल क्या है कि हम कंडक्टर्स लगाते हैं। वो कंडक्टर्स क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, ये आपके पास स्काई स्क्रैपर है, आपने क्या करा इसके ऊपर एक कंडक्टर लगा दिया, एक थिक रॉड लगा दी। अब ये रॉड क्या करेगी, अगर ये नेगेटिव है तो इसका रीजन बहुत ज्यादा होगा, उस रीजन के अंदर अगर ये रखा हुआ है, ये कंडक्टर लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट इंड्यूस होगा, वो क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, ठीक है। ये होगा अट्रैक्ट और यहाँ से एक वायर के जरिए आप इसको ड्रेन कर देते हैं ताकि ये लोकेलिटी को नुकसान ना पहुंचा सके। इज दिस क्लियर, दिस इज द वर्किंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। क्या ये बात समझ में आती है बेटा, जमीला बेटा अब समझ में आई है, आयजा बेटा अब समझ में आई है, अर्तिशिया बेटा प्लीज रिस्पॉन्ड, जरा सा भी कोई भी मसला हो बेटा यू कैन आस्क एनीथिंग, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके। यहाँ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दिस इज द वर्किंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अच्छा भाई, फोटोकॉपियर में एक प्रॉब्लम यह है, फोटोकॉपियर इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट सिंस आपके स्कूल में
कराया गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए किस तरीके से होता है। मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट इफ योर टीचर हैज डन इट इन हिज और हर लेक्चर्स, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। आप होता क्या है भाई, फोटोकॉपियर में एक ट्रे होती है, उस ट्रे को किस कोई सा भी एक चार्ज दे दिया जाता है, ये पहला स्टेप होता है। ठीक है, बाय मींस ऑफ अ वायर एक चार्ज दे दिया। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने कहा मुझे वर्ड ई जो है वो फोटोकॉपी करना है, तो मैं ई की आउटलाइन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, ये बन गई जी आउटलाइन। ठीक है, अब होता क्या है इसके बाद कि इस ट्रे पर से सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रक्चर के अंदर के चार्ज छोड़ दिए जाते हैं और बाकी सारा मिटा दिया जाता है। ये स्टेप टू है। ठीक है, आपने सिर्फ इस स्ट्रक्चर के अंदर चार्जेस छोड़े, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, आप पॉजिटिव यूज करो तो आप पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव यूज करो तो नेगेटिव रखो। ये बात समझ में आती है, दोनों स्टेप। पहला स्टेप क्या था, पूरी ट्रे पे चार्ज लगाओ, ठीक है, बाय मींस ऑफ अ वायर। दूसरे पे जो स्ट्रक्चर फोटोकॉपी कर रहे हो सिर्फ उसकी आउटलाइन के अंदर चार्ज रहने दो, बाकी सारा मिटा दो। ये दो पॉइंट समझ में आते हैं बेटा, जल्दी बताइए। अर्तेशिया, आयजा, जमी, अहमद, साद, अली, जानवी, स्वाति, ये बात समझ में आती है बेटा, दो पॉइंट समझ में आते हैं। अच्छा बेटा, ये कौन है जो पूछ रहे हैं, हाँ आ गया समझ, ठीक है। अब होता क्या है, इसके साथ एक कलर ड्रम होता है, आपने भी देखा होगा अगर आपने कभी प्रिंटर खोला है तो उसमें होगा कम होते हैं, इसको भी चार्ज दिया जाता है। अच्छा, इसको चार्ज दिया जाता है, इसमें से कलर निकलता है और वो सारा का सारा कलर जो होता है वो इस आउटलाइन के अंदर आके फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो भी चार्ज होता है। और वो कौन सा चार्ज होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, अब ये यहाँ आके फिक्स गया, कलर इस पर ठहर गया, बाकी कहीं नहीं आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, तीसरा स्टेप है कि कलर हम को चार्ज किया और उससे इस आउटलाइन के अंदर कलर भर गया। फिर क्या करते हैं, आप एक पेपर लेते हैं और उस पेपर को इसके ऊपर रोल करते हैं। ठीक है, जब पेपर को रोल करते हैं तो ये पैटर्न जो होता है वो पेपर पर आ जाता है। ठीक है, पेपर पर आ जाता है तो इसको हल्का सा हीट अप किया जाता है। हीट अप किया तभी आपने जब कभी अगर आप फोटोकॉपी करवा के उसको देखें तो वो जो पेपर होगा वो थोड़ा सा गर्म होता है, इसीलिए होता है कि वो हीट इसलिए किया जाता है कि वो जो इंक है वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि अगर वो सूखेगी नहीं तो वो एक अजीब सा पैटर्न बनाएगी, गिरा हुआ एक पूरा एक वो बनता है बनेगा, तो इसीलिए उसको सुखाते हैं फौरी तौर पे कि वो वहां स्टिक हो जाए, इसीलिए वो पेपर को हीट किया जाता है। ये चार स्टेप हैं फोटोकॉपियर के, क्या ये चार स्टेप समझ में आए हैं? अहमद, स्वाति, आयजा, जमीला, साद, अली, अर्तिशिया, जानवी बेटा, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ अर्तिशिया, कोई मसला नहीं बेटा, एक मिनट दे दो अर्तिशिया, बाकी भी रिस्पॉन्ड कर दें बेटा, जल्दी जल्दी बताइए किसको समझ में नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड या बताइए मुझे। हाँ हाँ मैं अहमद, मैं रिपीट कर दूँ, कोई मसला नहीं है, रिपीट कर, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दोबारा देख लो, मैं पूरा मिटा देता हूँ, मैं स्टेप वन से समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और मैं इसका वीडियो लेक्चर भी अभी है, जैसे मैंने अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिवाइसेस का भेजा है ना आपको, वो देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो आपके घर में। भाई पहला स्टेप ये है ट्रे, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया बाय मींस ऑफ अ वायर। ठीक है, दूसरा स्टेप, सिर्फ उस स्ट्रक्चर में से चार्ज रहने दो, बाकी सारा मिटा दो। ये बात समझ में आती है? तीसरा स्टेप,
कलर गन या कलर ड्रम के थ्रू, लेकिन उस कलर ड्रम पे अगर यहाँ नेगेटिव रखा है आपने तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। सारा कलर जो है वो इस पर अट्रैक्ट होगा, कहाँ आएगा वो, जाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा जो इस पैटर्न पे होगा, वो पैटर्न पे आके कलर रुक जाएगा। चौथा स्टेप, एक पेपर लो और उस ट्रे पर रोल करो। तो क्या होगा, ये पैटर्न इस पेपर पर आ जाएगा, स्टिक हो जाएगा। फिर क्या करो, आखिरी स्टेप, इसको हीट प्रोवाइड करो ताकि वो इंक फौरन सूख जाए। बेटा अब समझ आता है, प्लीज रिस्पॉन्ड। स्वाति, साथ, अहमद, अर्तिशिया, अली, जमीला, आयजा, स्वाति बेटा आप समझ में आ गया, अर्तिशिया को आ गया, स्वाति को आ गया, साथ को आ गया, जमीला को आ गया, अली बेटा आपको नहीं समझ में आया, अली मल्ला, जमीला एंड जानवी आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आया बच्चे, अहमद समझ आ गया। अच्छा अब ये, अरे मेरा बच्चा बेहतरीन, जीते रहो। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लें फोटोकॉपियर के चार स्टेप्स का, ताकि आपको आपके पास काम हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सिलेबस में नहीं है, ध्यान। यहां तक कर लिया बेटा, समझ में आ गया, ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को जो चीज कराने जा रहा हूं, मैं ये मिटा देता हूं, अब हम बात करते हैं भाई मैग्नेटिज्म की। इट इज दी, अच्छा बेटा मेरी बात सुनिएगा आप सब, मैं जो, हाँ बेटा ठीक है अली मैं करा देता हूँ, कोई मसला नहीं बेटा। मैं ये कह रहा था कि मैं जो अभी अपनी आईडी यूज कर रहा हूँ, जिस आईडी पर आप लोग ये लगे थे, इसकी लिमिट है 40 मिनट्स ना, तो ये मीटिंग एंड होती है ना तो बस 2 मिनट दे के फिर दोबारा से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यू ऑल हैव माय नंबर नाउ, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, साथ समझ में आया बेटा, एंड देयर इंटरैक्शन। तीन तरह के मटेरियल है मैग्नेटिक, जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सके। एक है नॉन मैग्नेटिक, मैं कुछ भी कर लूं ये मैग्नेट नहीं बनेंगे, और ये मैग्नेटाइज। यहां तक बात समझ में आती है बेटा, माय नंबर इज दिस अली, बेटा आप सब भी नोट कर लें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ओवर देयर। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अच्छा आप लॉज एंड पोल्स ऑफ द मैग्नेट, पहले तो ये समझते हैं कि लॉज क्या है। लॉज ये हैं कि आपके पास, एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट रुकिएगा बस,